हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये क्रोशिया का पैटर्न है फ्रेंड्स। इसे आप शॉल पे, स्कार्फ पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कीजिए, बड़ा सुंदर लगेगा। गर्ल्स की टॉप पे भी बना सकते हैं इसको। तो आइए करते हैं शुरू, कैसे बना है ये फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर में, फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो इसके लिए मैंने बेसिक रो एक बना ली है। यहाँ दो चेन कर लेंगे और एज स्टिच लगा लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने एक चेन की, यहां से एक स्टिच छोड़ना है, तो एक स्टिच बना लेना है। फिर एक चेन, यहां से एक स्टिच छोड़ना है और एक बना लेना है। इसी तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। एक एक छोड़ते रहना, तो एक एक चेन बनाते रहना है। एक चेन बना लेंगे, यहाँ पे एज स्टिच लगा लेंगे। यहां दो चेन कर लेंगे और एक एज स्टिच लगा लेंगे। यहां पर एक चेन बनाएंगे। ये पहले वाला हमने स्टिच छोड़ देना है, नेक्स्ट में जाएंगे। इस तरह से एक लूप बनाएंगे, दो, तीन, चार, चार लूप बना लिए, और अब सबको एक साथ बना लेंगे ऐसे। फिर एक चेन कर लेंगे, यहां हम एक ये छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्टिच में चले जाएंगे, एक, दो, तीन, और चार, चार स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर एक चेन, फिर इसको छोड़ देंगे, यहां आ जाएंगे, एक, दो, तीन, और एक चार। पूरी रो फ्रेंड्स हमने इसी तरह से कर लेनी है। यहां फिर एक चेन बना लेंगे, इसको छोड़ेंगे और यहां आ जाएंगे, एक, दो, तीन, और एक चार। एक चेन बना ली, यहां पर एज स्टिच लगा ली। ये पूरी रो फ्रेंड्स हमने इसी तरह से बना लेनी है। ये देखिए, अब नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहां नेक्स्ट रो पे आ गए हैं तो क्या करना है, ये हमने एज स्टिच लगा लेने हैं पहले। इसके बाद फ्रेंड्स एक चेन करेंगे, एक स्टिच हम यहां लगाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, दूसरा स्टिच हम यहां लगाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, नेक्स्ट यहां पर फिर एक चेन,
फिर एक चेन। फ्रेंड्स पूरी रो हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। नेक्स्ट रो पे क्या करना है, दो चेन कर लेनी है और एज स्टिच लगा लेने हैं हमने। और इसके बाद फ्रेंड्स पहली बार हमने यहाँ पहला वाला स्टिच छोड़ा था, अब की बार पहले वाले पे बनाएंगे। एक दो तीन और चार, चार लूप बना के इस तरह से सबको एक साथ बना लेना है। फिर फ्रेंड्स हम एक चेन बनाएंगे, ये वाला स्टिच हमने छोड़ देना है, तो ये जो छोड़ रखा था उस पे बनाएंगे। डिजाइन को हम दूसरे स्टिच पे शिफ्ट कर रहे हैं हर जगह पे, इस चीज का ध्यान रखना है। जिस पे पहले बनाया उसको खाली छोड़ना, जो खाली छोड़ रखा था उस पे हमने लूप बनाने हैं। इसको खाली छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे। पूरी रो हमने इसी तरह से बना ले। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा ये पैटर्न बनता चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम जो यहाँ पे स्टिच लगाएंगे तो उस पे डिजाइन बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरी रो हमारी बनती चली जाएगी, डिजाइन बन जाएगा। फ्रेंड्स अब आप बना के देखिए कि आपको कैसा लगता है और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।